आप देख रहे हैं न्यूज लॉकर। मैं अमन बेडियार आपका न्यूज लॉकर में स्वागत करता हूं। हनुमान जयंती के दिन प्रभु श्री हनुमान से अपने पति और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए प्रार्थना करने प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंची अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी। जी हां, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल के अंदर बंद है। उन्हें शराब घोटाले के मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वहीं जेल के अंदर उनकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी उनके जल्दी जेल से बाहर आने के लिए तथा आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन करने के लिए हनुमान जयंती के दिन प्राचीन हनुमान मंदिर जो कि कनॉट प्लेस के पास है वहां प्रार्थना करने पहुंची। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पवन पुत्र बजरंग बली जी की दर्शन की और अपने पति अरविंद केजरीवाल की जेल से जल्दी छूटने की प्रार्थना करते हुए नजर आई। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का तबियत थोड़ा जेल के अंदर सही नहीं चल रहा था। उनको शुगर है और शुगर उनकी 300 से ऊपर रह रही थी। और तो और जेल प्रशासन के द्वारा उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही थी, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहना था कि अरविंद केजरीवाल पिछले 12 साल से इंसुलिन लेते हैं, लेकिन जेल प्रशासन उन्हें इंसुलिन लेने से मना कर रही थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और हनुमान जयंती यानी कि आज ही कोर्ट से उनके लिए गुड न्यूज आई और उन्हें इंसुलिन लेने के लिए कोर्ट ने इजाजत दे दी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी खेमे में भी खुशी की लहर दौड़ गई। जिसके बाद सुनीता केजरीवाल हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर प्राचीन हनुमान मंदिर में देखी गई। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बड़ियार की रिपोर्ट।